आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सीएससी अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको अपने सीएससी अकाउंट में बैंक अकाउंट अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करनी है, फोटो अपडेट करना है, अपना सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, सीएससी वीएलई आईडी कार्ड डाउनलोड करना है या अपने सीएससी का पासवर्ड चेंज करना है, तो ये सारे काम आप अपने सीएससी अकाउंट से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सीएससी अकाउंट मैनेज करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सीएससी अकाउंट एक्सेस करने के लिए आपको register.csc.gov.in पर आना होगा। इसमें आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी है। यहाँ पर आप चूज करेंगे फिंगरप्रिंट। अपने कंप्यूटर के साथ आपको कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर के साथ आपको कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच करनी है, जैसे कि मैंने मंत्रा डिवाइस अटैच की हुई है, कंसेंट देंगे। इसके बाद डिवाइस पर अपना फिंगर रखेंगे और स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। कोई भी डिटेल अपडेट करने के लिए आप केवाईसी अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो कम्युनिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपको सीएससी के साथ ऐड करना है वो आप यहां पर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो यहां पर आप ईमेल आईडी डालेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे तो वो भी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद अपडेट करने के लिए अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल नंबर आपके सीएससी में अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको अपना फोटो अपडेट करना है तो आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इमेज अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नेम अपडेट करना है तो आप नेम पर टिक करेंगे। इसमें आप अपना नेम डालेंगे जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका नेम अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपना फोटो अपडेट करना है तो आप इमेज पर टिक करेंगे। जो भी फोटो आपको ऐड करनी है वो आप यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आपके फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे तो फोटो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपके सीएससी सर्टिफिकेट और सीएससी वीएलई आईडी कार्ड में यही फोटो शो होगा। इसी तरह से अगर आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है तो आप बैंकिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको अकाउंट नंबर रखना है उसकी डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे। प्रूफ के लिए आप अपने बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक या बैंक के स्टेटमेंट का एक फोटो क्लिक करके यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपने सीएससी का पासवर्ड चेंज करना है तो आप अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको डिजीमेल पासवर्ड और कनेक्ट पासवर्ड दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको डिजीमेल का पासवर्ड चेंज करना है तो आप डिजीमेल पासवर्ड यहां पर चूज करेंगे, और अगर आपको सीएससी का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहां कनेक्ट पासवर्ड चूज करेंगे। अगर आपको पुराना पासवर्ड पता है तो आप यस करेंगे, नहीं पता है तो नो करेंगे। इसके बाद ओटीपी के लिए आप मोबाइल चूज करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीएससी का जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो आप यहां टाइप करेंगे। यहां पर दोबारा से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपना सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है जो कि आप अपनी शॉप में लगा सकते हैं प्रूफ के लिए कि आपके पास सीएससी सेंटर है, तो आप यहां सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अपना सीएससी सर्टिफिकेट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको अपना सीएससी वीएलई आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आप आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अपना सीएससी वीएलई आईडी कार्ड यहां से प्रिंट कर सकते हैं और इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। ये कार्ड आप पीवीसी पर भी प्रिंट करा सकते हैं आधार और पैन कार्ड की तरह से। ये आपका सीएससी वीएलई आईडी कार्ड होता है। अगर आप अपने सीएससी सेंटर की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां लेट लॉन्ग पर क्लिक करेंगे। इसमें आप पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका सीएससी सेंटर है उस पर आप इसको पॉइंट कर देंगे। इस तरह से आप पॉइंट करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपने सीएससी अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिटेल अपडेट कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।